कभी ऐसा सुना है कि टीजर मूवी से अच्छा है? ये केस में सच कर दिया है ये मूवी ने। हाँ, मैं भोला के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये पूरा मूवी देख ही नहीं पाया, तो मैं आप लोगों को बोल भी नहीं सकता कि क्या है मूवी में, लेकिन जितना देखा उसमें एक्शन बहुत अच्छा था, तो मैं 6.2 दूंगा ये मूवी के, वो भी सिर्फ एक्शन के लिए। क्या आपने कहा ये मूवी का कास्ट इतना मस्त है भाई, बट ये मूवी इतनी खास तो नहीं लगी मेरे को। हाँ, मैं कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये मूवी में एक ट्रक रहता है जिसमें 4 करोड़ ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, और फिर कैसे 3 पार्टीज वो एक ट्रक के पीछे कुत्तों के जैसे पड़ती है। आसमान भारद्वाज, जो विशाल भारद्वाज का बेटा है, उसका पहला मूवी था, और ये मूवी को मैं 6.5 दूंगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसे ये सीरीज में बताया कि कैसे एक आदमी ने 29 लड़की लोग की जान ली है। हाँ, मैं अमेजोन के नए सीरीज दहाड़ के बारे में बात कर, ये सीरीज में बताया कि कैसे एक आदमी ढोंग करके 29 लड़की लोग को उसके झांसे में फंसा लेता है, और फिर उनका मर्डर करता है, और फिर वो मर्डर वो सुसाइड जैसे दिखाता है। ये जोया अख्तर प्रोड्यूस्ड बहुत अच्छा सीरीज है, आप देखो। मैं इसको 7.8 दूंगा। हाँ, तो ये मूवी के पीछे बहुत सारे कंट्रोवर्सी और बहुत सारा ड्रामा हुआ है, और ये 2023 का सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी रह सकता है। ये मूवी का नाम है द केरला स्टोरी। इसमें बताया कि कैसे 2 लड़की लोग जो हिंदू रहते हैं पहले, वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में, और कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कन्वर्जन के लिए, और फिर उनको ट्रैफिक किया जाता है, और इवेंचुअली वो लोग कैसे आईसिस ज्वाइन करते हैं, ये सब बताया। अदा शर्मा ने उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया अब तक। मैं मूवी को दूंगा 8.8। तो पठान को छोड़ के ये अकेला मूवी रहेगा जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा कमाया रहेगा बॉक्स ऑफिस पे। ये मूवी का नाम है तू झूठी मैं मकार। मैं स्टोरी के बारे में आपको ज़्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर आपको मालूम पड़ जाएगा क्या होता है, लेकिन मेरे को VFX बहुत लगा अननेसेसरी है मूवी में। ठीक है, देख लो एक बार। प्रीतम ने गाने मस्त दिए है, और मैं मूवी को 7.9 दूंगा 10 में से। आपको मालूम है क्या, ये मूवी ने बहुत डार्क टर्न लिया, और मेरे को लगा नहीं था कि इतना डार्क टर्न लेगा। ये मूवी का नाम है फ्रेश। इसमें ये बंदी एक लड़के से मिलती है बहुत फेल्ड डेट्स के बाद, फिर वो बंदे के साथ उसका अच्छा चालू रहता है, तब उससे वो बंदा किडनैप करता है, और फिर उसको मालूम पड़ता है कैसे वो लड़की लोग को खाता है, उनके बॉडी पार्ट्स बेचता है। ये मूवी को 8.8 दूंगा। 1992 के सक्सेस के बाद मैं रुका था कि हंसल मेहता क्या लाते हैं, और उन्होंने नया शो लाया स्कूप। बेसिकली ये पूरा एक कैसे एक जर्नलिस्ट को पुलिस फ्रेम करता है एक दूसरे जर्नलिस्ट के मर्डर के लिए, और फिर कैसे उसको जेल होता है, और उसका लाइफ कैसा रहता है जेल में वो बताया, और क्या मस्त पेसिंग है ये शो का, और क्या मस्त डायरेक्ट भी किया है, और सब विजुअल्स भी मस्त है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा। ज़रूर देखना, मैं उसको 8.8 दूंगा।